ठीक है, पैराशूट को ओपन किए और ये एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जब ये दोनों फोर्स मतलब एफ एयर और एफ ग्रेविटी, एफ एयर और एफ ग्रेविटी, ये दोनों का मान जब इक्वल हो जाएगा तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का मान आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब जीरो हो जाएगा तो ये क्या करेगा? कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यहाँ आदमी बंधा हुआ है, यहाँ पे भी आपका आदमी बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये जिस कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ ड्रैग होके मतलब आ रहा है उसी स्पीड को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, उसी वेलोसिटी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वही आपका कहलाता है बाबू टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट, जैसे अभी तो एग्जांपल दिए कि कोई भी आदमी अगर उड़ रहा है, ठीक है, उड़ता है, पक्षी वगैरह उड़ता है, या आपका जो जहाज वगैरह जब आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है, या आदमी ऊपर से नीचे आता है, या पानी की बूंदें जो आपके शरीर पे आके गिरती है जिसके कारण आपको चोट नहीं लगता है, ये सब किसके कारण होता है? ये सारा का सारा प्रक्रिया आपका टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब सिंपल सा कह सकते हैं कि बॉडी अगर फ्रीली आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वेट के कारण वो खींचा के नीचे की तरफ आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो उसके अपोजिट में एयर के कारण एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा जिसको एयर रेसिस्टेंस बोलेंगे, और सेम अमाउंट का फोर्स बॉडी के ऊपर में लगेगा। ठीक है, देखो ना, सेम अमाउंट का फोर्स बॉडी के ऊपर में लगेगा, और ये फोर्स का मान आपका क्या हो जाएगा? दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का वेलोसिटी, नेट फोर्स का मान आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आएगा, एकदम फ्रीली कॉन्स्टेंट स्पीड से आपका मूव करके आएगा। उसी स्पीड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उसी वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जो कि आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद भी हम लोग देखेंगे क्या है बातें। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक क्या है।